आखिरकार कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में अपने 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर ही दी, जिनमें फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस के पुराने धुरंधर नेता चौधरी महेंद्र प्रताप को बीजेपी के कृष्ण पाल गुज्जर के मुकाबले मैदान में उतार दिया गया है। कांग्रेस द्वारा लिस्ट जारी करने के बाद देर रात तक उनके आवास पर सैकड़ों लोगों की भीड़ बधाई देने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि चौधरी महेंद्र प्रताप कांग्रेस की टिकट पर कई बार विधानसभा का चुनाव लगातार जीत चुके हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री का दायित्व भी निभा चुके हैं। कांग्रेस ने सोच समझकर कृष्णपाल गुज्जर के मुकाबले कांग्रेस के गुज्जर नेता चौधरी महेंद्र प्रताप को मैदान में उतारा है। ऐसे में ये बात तो साफ है कि इस बार फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों में टक्कर कांटे की होगी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने कहा कि पब्लिक की भावनाओं को देखते हुए और पब्लिक की डिमांड पर ही मुझ पर विश्वास जताया गया है और मुझे पार्टी द्वारा टिकट दिया गया है। उन्होंने कृष्णपाल गुज्जर का नाम लिए बिना कहा कि जो पिछले 10 सालों से हैं उन्होंने क्या काम किए और उनका क्या चरित्र है तथा उनके क्या कारनामे हैं ये सभी जानते हैं। खैर, इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप ने बीजेपी को लेकर क्या कुछ सवाल दागे, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। कि भाई जहां तक राजनीति का ताल्लुक है, मेरा बहुत बड़ा लंबा समय राजनीति में रहा है। मेरे समय की राजनीति भी और फिर मेरी अपनी राजनीति, मैंने उस राजनीति को आदर्श और मूल्यों के साथ सींचने का प्रयास किया, सारा जीवन किया है, जो शायद आज और पिछला जमाना भी कमाबेश अंतर तो बहुत है। मैंने प्रेम की और विकास की राजनीति की है कि जनता के हित, जन अपेक्षा, उनकी ग्रीवेंसेस, इनका समाधान कैसे किया जाए, मैंने हमेशा उसको पर कंसंट्रेट किया अपने उसको। और उसका नतीजा भी हुआ है कि मुझे 3-3, 4-4 बार लगातार भी चुना है, फिर 2-2 बार फिर लगातार चुना है। मैं CLP लीडर भी रहा हूँ। मैंने अपना जीवन सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक आदर्श ना बना सका हूँगा, लेकिन आदर्शवाद के नज़दीक ज़रूर मैंने अपने आप ही को रखने का प्रयास किया है। पिछले दिनों मैंने विजय प्रताप को अपनी ड्यूटी सौंप दी थी। क्यों सौंपी? इसलिए कि आज के हालात और पिछले हालात, आज की राजनीति और पहली राजनीति में बहुत अंतर आ गया। मैं अपने सिद्धांतों का थोड़ा हार्ड कोर भी हूँ, इसलिए ड्यूटी उनको सौंप दी, ये तो उस बात का सबूत है। लेकिन राजनीति में मैं फिर भी उसके गाइड करने के लिए भी, उसको सही मदद देने के लिए तो बैठा रहा हूँ। छोड़ भी इसलिए नहीं सका कि ये था करे ये इस दायित्व को संभाल ले, तो मैं निश्चिंत होकर के एक और दुनिया की खोज करें। 3 व्यक्ति के 4 पण होते हैं, 3 तकरीबन हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक हम जिए अपने लिए, जनता के लिए भौतिक दृष्टि से, अब आत्म कल्याण के लिए भी जिए। इनको खोज करें कि क्यों हो रहे हैं, किस उसमें पड़े हैं। हम राजनीति की बात करें, 2 दशक अपना 2 बार से केंद्र में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार का सामना, तो उनके शासनकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? कहां आपको कभी कमजोर देखिए देखिए कि कांग्रेस उनसे बेहतर है? बहुत बड़ी, बहुत बड़ा अंतर है इस शासनकाल में पहले शासनकाल का। अगर हम तुलना करेंगे तो देखिए, पहला शासनकाल अगर नेशनल लेवल की राजनीति की बात और स्टेट की अलग अलग है उसकी देखें, तो नेशनल लेवल पर भारतवर्ष जो है, हमारी स्थिति क्या थी?
ओवरऑल डेवलपमेंट के लिहाज से, ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिहाज से मनमोहन सिंह के पीरियड को दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, लेकिन हिंदुस्तान की उस व्यक्ति ने नहीं हिलने दी थी। ये तो आपके सामने मोटे तौर पर कह रहा हूँ। उसके बाद तब्दीली हो गई, उसके बहुत कारण रहे। कारण ये भी होते हैं कि 10 साल का शासन बहुत होता है, जनता बहुत चाहती है, बहुत करती है, अपेक्षा ज़्यादा पूरी नहीं होती, नाराज़गी शुरू हो जाती है। मिसफिट होकर के किनारे कर रहा था। मेरे पास 6-6, 7-7 डिपार्टमेंट भी रहे। अब ये समझ लो इतने डिपार्टमेंट रहे हैं। आज का सिस्टम आप देख रहे हो, पहले भी थोड़े, पहले ज़्यादा कम था, अब ज़्यादा होगा। तो भैया मैं ऑन ओथ कह सकता हूँ, मेरे लिए रिश्वत तो बहुत दूर की चीज़ है, मैंने भेंट भी नहीं ली जीवन में। भेंट तो एक ऐसा रास्ता है, जाए पर्दे के पीछे भेंट ले लो, नहीं कि नहीं अब तुम्हारे बच्चों का काम है। इलेक्शन में कहीं ने दे दिया, खर्च कर लिया, अलग चीज़ है। यानी मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, मैंने भेंट भी फिर स्वीकार ली। तो इसलिए इतना अंतर है आज के उस में। फरीदाबाद के लिए क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? क्योंकि आप फरीदाबाद के मुद्दे पे आ जाओ नज़दीक से। हरियाणा जब हमने छोड़ा, ये हरियाणा पहले नंबर का प्रदेश था, हर दृष्टि से पहले नंबर का था। पर कैपिटा इनकम गोवा अलग छोड़ दो, लेकिन पहले नंबर का रहा है। अब जो है डेवलपमेंट के लिहाज से, जैसे मैंने कहा 70,000 करोड़ रुपए कर्ज हमारे पास था दे के लेके, लेकिन डेवलपमेंट हुई पूरी ओर से। मेडिकल कॉलेज तक यहाँ बने हैं, मेट्रो रेल बनी है, IMT बनी है, सेक्टर्स डेवलप हुए हैं, इनर डेवलपमेंट हुई है, तकनीकी कॉलेज बेहताशा गवर्नमेंट के भी खोले हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं और प्राइवेट भी हुए हैं। तो ये डेवलपमेंट ही सबसे बड़ी चीज़ है, ये भी हुई है। आज कहाँ खड़े हैं, कर्ज तो 4 गुना होगा, 50-55 से 2-5-4 ही तो होता है। करप्शन 10 गुना हो गया, करप्शन के रेट आप ही देख लो, मैं तो ना कह रहा रेट कितना है, तहसीलों के देख लो और दूसरे भी करप्शन के रेट देख लो, IDR और PID से तो लोग परेशान है। ये सिस्टम जो क्या कुछ हो रहा है, आपके मुद्दे करप्शन के नहीं, सुन लो, ज़मीनों पे प्लॉटों के कब्जे हो रहे हैं, हिस्सेदारी ज़मीनों में जबरन हो रही हैं, 26 पंचायतें उनकी इच्छा के विरुद्ध ली गई, सारी पंचायतें नहीं चाहती थी वो, और उन्होंने अपनी डेवलपमेंट खूब की। सरपंचों के पास अधिकार थे ज़्यादा, वो तो 5 लाख पे, पहले 2.5 पे कर दिए, शोर मचा तो 5 पे कर दिए। हम कितना बताया, 1,200 करोड़ रुपए कैश सरकार पर चला गया, हजारों करोड़ों की जमीन उनकी कॉरपोरेशन में चली गई उनकी पंचायतों की। देखिए भैया बात सुनो, ये तो मैं नहीं जानता, पर एक बात मैं कह सकता हूँ अपने विश्वास इत्मीनान से, अमर कृष्ण पाल जी इलेक्शन लड़े, ये BJP ने लोग के अलायंस से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मैं इनसे हारा भी हूँ, पर एक बार तो 61 करोड़ से हारा था, जबकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी। दूसरी बार जनभावना, मैं जनभावना का जिक्र कर रहा हूँ, इतनी प्रबल हो गई, कांग्रेस ने टिकट दे दिया और 63,000 कुछ वोटों से जनता ने मुझे जिताया। जनभावना आज क्या जनभावना है, मैं फरीदाबाद की बात कह रहा हूँ। मैं बताया था कि इलेक्शन लड़ने का इच्छुक नहीं था, मैंने अप्लाई भी नहीं किया, विजय ने किया और साथियों ने किया, ठीक कैंडिडेट हैं, अच्छे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन पार्टी ने सर्वे कराए कई तरह से,
और सर्वे के आधार पर हर आकलन किया, इस जिले में उस जिले का सोशल इंजीनियरिंग का और जनता के व्यूज, उसमें फिर ये फैसला पार्टी ने लिया कि इन्हें भी महेंद्र प्रताप को बनाइए। खैर जो कुछ भी हुआ, मुझे सर्वे के आधार पर, जनभावनाओं के आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। मेरी इच्छा होती तो मैं पहले ही अप्लाई कर लेता। मैं तो जन अपेक्षा, जन भावना के आधार पर ही मैंने उस बात को स्वीकार किया। मेरी कोई इच्छा नहीं है कुछ बनने की। तो अब इच्छा से मैं चुनाव लड़ोगे? सुनो प्लीज, जनता की इच्छा भावना सबसे सर्वोपरि होती है। जब वो सर्वोपरि है तो जनता लड़ेगी। भैया कितनी बड़ी आपके साथ। सुनो, चुनौती का जहां तक ताल्लुक है, हर इलेक्शन कहीं ना कहीं चुनौती है। उसे सरलता से हमें कभी नहीं लड़ना चाहिए इलेक्शन को। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, हर कास्ट में जो स्थिति 19 में थी, आज स्थिति उल्टी नजर आ रही है। समझ रहे हो ना? वो कांग्रेस के हक में, और फिर मैं जो बता रहा हूं, महेंद्र प्रताप को बुला के भी उसको जनता ये कह रही है, जिसको मैंने माना है, वो महेंद्र प्रताप और कांग्रेस के हक में उल्टी नजर आ रही है। तो इसलिए भाई, मुझे तो 100% क्या इससे भी ज़्यादा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस विजयी होगी, श्री मालिक ईश्वर की कृपा से। मेरा तो ऐसा विश्वास है।